इस क्रीम का उपयोग त्वचा यानी स्किन पर हो रहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या में उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर त्वचा पर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पर, तब डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि स्किन यानी त्वचा पर किस प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है या फिर किस प्रकार की समस्या रहता है, स्किन से रिलेटेड क्या क्या दिक्कत क्या क्या परेशानी रहता है, तब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। इस क्रीम का डोज क्या होता है, इस क्रीम का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये क्रीम लगाना कैसे होता है, ये क्रीम एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। टॉपिकल आप इम्पिडिगो की समस्या में इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। और जैसे कि इस क्रीम का उपयोग 2 साल से छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पर यानी ओठ के साइड में या फिर मत्थे के साइड में, गाल पर या कान के साइड में फोड़ा फुंसी की समस्या हो जाता है मत्थे पर, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं पिंपल्स के जैसे छोटे छोटे बच्चों के फेस पर, मत्थे पर या कान के साइड में दाना निकल आता है, तो उस समस्या में ये क्रीम लगाया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या में। इम्पिटिगो की समस्या में क्या होता है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ओठ के साइड में, गाल के साइड में, मत्थे के साइड में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, चेहरे पर लालीपना आ जाता है, ये भी एक प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये स्किन पर एक परत से दूसरी यानी एक जगह से दूसरी जगह लगातार फैलता रहता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। ये समस्या बड़ों में और छोटों में यानी 2 साल से 5 साल के बच्चों में भी देखा गया है। जैसे कि आपने ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में देखा होगा कि उनके मुंह के साइड में, नाक के साइड में काफी ज्यादा एक प्रकार से हम कह सकते हैं दांत के जैसा चकत्था चकत्था सा हो जाता है, पपड़ी के जैसा उनके ओठों पर चमड़ी हो जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड की समस्या भी आने लगती है, वो खाना सही से नहीं खा पाते और हैं। ये इन्फेक्शन नाक से लेके मुंह के चारों तरफ ये समस्या हो जाता है छोटों बच्चों में, तब डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है, जिससे जो उनके स्किन यानी उनके जो त्वचा पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन रहता है उससे ये क्रीम ठीक कर देता है। जैसे कि ये समस्या बच्चों के हाथों में भी हो सकता है, पैरों में भी ये समस्या हो सकता है, उंगलियों के बीच में हो सकता है या लेटरिन के रास्ते पर हो सकता है, कमर के साइड पर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये सारी समस्या को ठीक करने के लिए ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि बच्चों में या फिर बड़ों में एम्पिटिगो की समस्या हो जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा एम्पिटिगो की जो प्रॉब्लम है यानी जो समस्या है उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। ये क्रीम काफ़ी अच्छा क्रीम होता है। एम्पिटिगो बॉयल्स की समस्या जब किसी को रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस क्रीम के कंपोजिशन के बारे में बताते हैं। ओजी नोक्साजीन इस क्रीम का कंपोजिशन होता है। और जैसे कि जब ये समस्या रहता है स्किन पर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बार बार खुजली लगातार कंटिन्यू बना रहता है, वहाँ लाली पड़ जाता है, कभी कभी देखा होगा खुजली करते करते वहाँ पर वहाँ से ब्लड भी आने लगता है, स्वेलिंग हो जाता है एक प्रकार से, ये सारी प्रॉब्लम को ये क्रीम ठीक कर देता है। और आपने देखा होगा जब किसी के स्किन पर रेड सोर्स की समस्या जाता है, यानी रेड सोर्स क्या होता है, जैसे कि अगर किसी के स्किन पर आपने देखा होगा छोटे बच्चों में या फिर बड़ों से, उसमें रेड कलर का स्किन हो जाता है, वहाँ पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुजली की समस्या होती है, तब डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। ये क्रीम काफ़ी अच्छा क्रीम होता है, इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम मरीज को दिया जाता है। ये क्रीम आपको एक या दो बार लगाने के बाद में इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। जैसे कि ये क्रीम बच्चों में और बड़ों में दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि इस क्रीम का जो डोज होता है, जैसे कि ये क्रीम आप दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के द्वारा लगाने के लिए दिया जाता है जहां पर स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है आपको, यानी एक प्रकार से बताया जाता है स्किन के पार्टिकुलर एरिया पर, यानी स्किन पर जहां पर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है वहां पर लगाने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। जैसे कि ये क्रीम आप लगाने जा रहे हैं तो लगाने से पहले जहां पर आपको ये क्रीम लगाना है वहां को सबसे पहले डिटॉल या साबुन से आप अच्छी तरह से धुल लें स्किन को अपने, यानी स्किन को साफ कर लें, फिर आप अच्छे कपड़े से उसे पोंछ लें, पोंछने के बाद में ये क्रीम आप अपनी उंगली में ले करके आप अपनी त्वचा पर अप्लाई करें। चलिए अब हम आपको इस क्रीम के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये क्रीम लगाने के बाद में अगर आपकी त्वचा पर काफ़ी ज़्यादा रेडनेस बढ़ जाए या फिर खुजली की समस्या होने लगे वहाँ पर, और आपको जलन के जैसा
जैसा महसूस होने लगे, एक प्रकार से हम कह सकते हैं आपको पेन के यानी दर्द के जैसा महसूस होने लगे, तब ये क्रीम तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई दिक्कत परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करें, उसके बाद में कोई क्रीम, कोई इंजेक्शन, कोई दवा, कोई भी मेडिसिन उपयोग करें।